सबसे पहले सभी को गुड मॉर्निंग। आज मुझे एक कमेंट मिला, उस कमेंट के आधार पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जो कि भोला सिंह राजपूत ने 10 दिन पहले किया था। पहले आप ये कमेंट देखें। इस कमेंट में भोला सिंह ने मुझे पूछा है कि सर, मेरे एक पैर के एक अंगुली के अंदर नाखून नहीं है और मुझे पता है इस बार मैं SSC GD के अंदर एग्जाम पास कर लूँगा और एग्जाम पास करने के बाद में मेरे अंगूठे की वजह से मेडिकल में दिक्कत आएगी, तो क्या मुझे मेडिकल में बाहर कर दिया जाएगा या मेडिकल में मुझे पास कर दिया जाएगा। आज इसी बारे में बात करेंगे। तो भोला सिंह, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर मान लो आपके इस पैर की उंगली में नाखून नहीं है या किसी भी पैर की उंगली में नाखून नहीं है, तो दोस्तों आप सभी को और भोला सिंह को मैं ये बताना चाहूँगा कि आपको दिक्कत आ सकती है मेडिकल में, लेकिन इस दिक्कत से बचने के लिए कुछ उपाय मैं अब आपको बता रहा हूँ। दोस्तों सबसे पहले, अगर आपके पैर के किसी भी अंगूठे या हाथ के किसी भी अंगूठे या किसी भी उंगली के अंदर नाखून नहीं है, तो सबसे पहले आपको नज़दीकी डॉक्टर के पास जाना है और डॉक्टर को अपनी प्रॉब्लम बतानी है कि सर, मेरे यहाँ पे नाखून नहीं है, तो मैं अपने नाखून को कैसे ठीक करूँ, क्या मेरा नाखून वापस आ पाएगा। दोस्त आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, मेरे इस उंगली के अंदर नाखून नहीं था, ये नाखून नहीं था। मैं खुद डॉक्टर के पास गया हूँ और डॉक्टर के पास जाने के बाद आप देख सकते हो मेरी इस उंगली में अच्छा खासा नाखून आ चुका है और पूरा जो नाखून होता है वो नाखून आ चुका है। तो आपको भी दिक्कत नहीं लेनी है। नाखून कैसे आएगा ये मैं नहीं बता सकता क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन डॉक्टर कुछ इलाज करेंगे, कुछ ट्रीटमेंट आपको देंगे, तो आपका यकीनन नाखून आ जाएगा। अगर आपका नाखून SSC GD वालों को नज़र आया, मेडिकल टीम को नज़र आया, तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन लेकिन इसका मतलब भी ये नहीं है कि अगर आपकी पैर के मान लो इस उंगली में नाखून नहीं दिख रहा है बिल्कुल भी, तो आपको बाहर ही कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है कि डॉक्टर को लगे कि इसकी इस उंगली में ज़्यादा दिक्कत नहीं है, तो आपको यकीनन मेडिकल के अंदर फिट कर लिया जाएगा, पास कर लिया जाएगा। लेकिन आपको सबसे पहले डॉक्टर के पास जाना है और कोशिश करनी है कि आपका नाखून वापस आ जाए। इस प्रोसेस में टाइम लगेगा, नाखून आने में टाइम लगेगा। नेचुरल तरीके से वो डॉक्टर आपके पैर की उंगली में नाखून लाने की कोशिश करेंगे, तो आपको भी उन डॉक्टरों की बताई हुई टिप्सों को फॉलो करते हुए कुछ मेडिकल दवाइयां देंगे, उनको खाने के बाद में यकीनन आपके पैर के अंदर नाखून जरूर आएगा, आपके अंगूठे के अंदर नाखून जरूर आएगा, उंगली के अंदर नाखून जरूर आएगा। लेकिन अगर आपने बिल्कुल भी इसमें देरी की तो आपको दिक्कत आ सकती है। आप सबसे पहले डॉक्टर के पास जाएं। मेरे हिसाब से भोला सिंह को इस वीडियो से काफ़ी मदद मिली होगी। अगर आपके भी ये प्रॉब्लम है तो आपको भी इस वीडियो से कुछ रिलीफ मिला होगा। अगर आपकी भी कोई समस्या हो तो दोस्तों ज़रूर कमेंट करें, मैं आपके कमेंट के आधार पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। जय हिंद।